बैल का दूध हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहाँ पनाह, बीरबल स्वयं को कुछ ज्यादा ही अकलमंद समझता है। यदि वह इतना ही अकलमंद है तो उसे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की अकलमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार पहुंचा, तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं? जी हुजूर। बीरबल ने उत्तर दिया, तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं, तुम्हें उसे 2 दिवस के भीतर करना होगा। फरमाइए हुजूर, आपके हर हुक्म की तामीली मेरा कर्तव्य है। बीरबल सिर झुककर अदब से बोला, जाओ जाकर बैल का दूध लेकर आओ। अकबर ने आदेश दिया। आदेश सुनकर बीरबल भौंचक्का रह गया। इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। क्यों बीरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। अकबर बोले, बीरबल क्या कहता, वह बहस करने का समय नहीं था। हामी भरकर वह घर लौट आया। घर आकर उसने गहन सोच विचार किया, अपनी पत्नी और पुत्री से भी चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उस रात बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। अकबर के महल की खिड़की उस कुएं की ओर खुलती थी। जोर जोर से कपड़े पीटने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। खिड़की से झांकने पर उन्हें एक लड़की कुएं पर कपड़े धोती हुई दिखाई पड़ी। अकबर ने वहीं से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात गए कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री बोली, हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है, वे कुछ महीनों से अपने मायके में हैं। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उनकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी, कपड़े धोने का समय ही नहीं पाया, इसलिए रात में कपड़े धो रही हूँ। कैसी विचित्र बात कर रही हूँ बच्ची, आदमी बच्चे पैदा करते हैं क्या? अकबर कुछ नाराजगी में बोले, करते हैं हुजूर, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया। ये सुनना था कि अकबर की नाराजगी हवा हो गई और वे पूछ बैठे, बच्ची कौन हो तुम? हुजूर, ये मेरी पुत्री है। पेड़ के पीछे छुपे बीरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया, ओह तो ये तुम्हारा स्वान था। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, गुस्ताखी माफ हुजूर, और कोई रास्ता भी नहीं था अपनी बात समझाने का। बीरबल अकबर की नींद में खलल डालने के लिए क्षमा मांगते हुए बोला। इधर अकबर भी बीरबल की अकलमंदी का लोहा मान गए। अगले दिन रात का पूरा वृतांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी अकलमंदी के लिए सोने का हार इनाम में दिया। दरबारी हमेशा की तरह जल भून कर रह गए।